डांस भी कराता हूँ मैं, जुम्बा भी कराता हूँ, और क्लास होती है। बाप कभी सर्वाइव करता था कि यार एक बैल दो बैल होती थी, ले पाऊंगा ले पाऊंगा। अब 8 से लेकर 40 साल। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद वापस एक नए पॉडकास्ट व्लॉग में। आज हमारे साथ है हरियाणा के रोहतक के केरेवेल प्रेम। क्या है भाई? बढ़िया, आप कैसे हो? एक नंबर। तो हम लोग का संडे को कंपटीशन था, इससे पहले कंपटीशन का व्लॉग आ चुका होगा, तो पॉडकास्ट से स्टार्ट कर दें कि हम हरियाणा रोहतक आए, और अगर प्रेम राजपूत से ना मिले उनका पॉडकास्ट ना ले तो ये फिर तो ये नाइंसाफी होगी। तो हम चालू करते हैं सीधा, अपने सवाल इनके ऊपर दे मारते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है प्रेम जी, कि कैसे आपने सुना केटलबेल स्पोर्ट के बारे में? केटलबेल बारे की मैंने सुना था 2017 में, मैं एक कोर्स करने गया था, मतलब कोर्स करने मैं नहीं गया था, मेरा एक मेरे पास एक था हेल्पर था मेरे पास, तो उसको कोर्स करवा रहा था मैं उस टाइम में कोर्स कर रहा था। तो बोला सर कोई कोर्स करना है मेरे को, तो जब उस टाइम में क्लासिक फिटनेस से जुड़ा हुआ था, एरोबिक्स का कोर्स कर रहा था, तो उसमें ऐसे केटलबेल का आया और 6,000 रुपये का था, तो उसको भेजने का प्लान था। तो बोला सर आप भी कर लो, तो मैंने किया। तो हम दिल्ली में गए क्लासिक फिटनेस, तो वहाँ पे विनर सर सिखा रहे थे हम लोगों को, तो फिर सर ने वहाँ पे अपना बताया कि ये स्पोर्ट भी होता है। तो जब सुना तो मैंने सर से कोर्स वोर्स हुआ, फिर मैंने एग्ज़ाम किया, उस पूरे बैच में मैं सेकंड था जिसने वो कोर्स कंप्लीट किया, सेकंड नंबर पे। तब सर से मैंने कहा सर कि स्पोर्ट मेरे को भी सीखना है, तो तब से सुना है ना, तब से फिर शुरू हुआ था ये। बढ़िया। और क्या आपने कभी सोचा था कि आप अभी जहाँ हो इस लाइफ में एज अ प्रोफेशनल एरोबिक्स ट्रेनर, केटलबेल लिफ्टर, रिगार्डलेस कोई भी प्रोफेशन के, कि आप यहाँ तक आ पाओगे? मतलब ऐसे, मतलब केटलबेल स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स भी नहीं सोचा था मेरे को, मतलब स्टार्टिंग से जब मैं बचपन से था तो मेरा मन था कि हाँ मेरे को स्पोर्ट में जाना है। बट वो कुछ फैमिली कंडीशन, 5 भाई बहन लोगों के हम लोग, तो पापा एक कमाने वाले, तो फिर उसके ऊपर 2 बहनों का जिम्मेदारी भी, तो उस चक्कर में हम लोग स्पोर्ट में नहीं जा पाए। स्टार्टिंग में पैसा लगता है, लेकिन मेरे मन के अंदर था कि मेरे को स्पोर्ट में जाना है, ऐसा था नहीं कि मैं इस साथ जहाँ तक पहुँच पाऊँगा, बस ये होता गया, पता ही लगा कैसे क्या हो गया। आपने नॉर्मल जिम किया है? नॉर्मल वेट वेट उठाया? नहीं, मेरा कभी मन नहीं किया, एक बार से किया है, विनय सर देते थे मेरे को जब ट्रेनिंग में, कभी मन नहीं किया मेरा, मतलब सिर्फ केटलबेल ही किया है। योगा किया हुआ है, योगा करते पार्क वार में, रनिंग किया मैंने इससे पहले, मैं मतलब कई सारे गेम खेला हूँ, मैं किक बॉक्सिंग खेलता था, टाइकमांडो भी खेला हुआ हूँ, स्कीपिंग भी खेला हूँ। ये स्पोर्ट्स जिम क्यों किया, वो पैसा होता था स्टार्टिंग में, उस टाइम 500 रुपये था, नैनीताल जाना था, पापा से मांगा, पापा ने मना कर दिया, इस चक्कर में हम स्पोर्ट फिर छोड़ता गया, फिर छोड़ गया चक्कर में। स्किपिंग आप कहाँ तक किए हुए हो? स्टेट लेवल तक खेला हूँ। स्टेट लेवल तक स्किपिंग खेला हुआ? तो फिर उसके बाद आपका स्टार्टिंग में ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुआ केटलबेल स्पोर्ट को लेके? केटलबेल स्पोर्ट वो कोर्स कंप्लीट हुआ मेरा, तो विनय सर से बात हुआ, तो विनय सर ने अपना ड्यूटी भेजने लगे थे मेरे को, तो उन्होंने बताया कि इसमें ऐसे वैसे होता है, तो उन्होंने बोला कि ये 3 चीज़ होती हैं, बायथलोन होता है, जर्क होता है, लॉन्ग साइकिल मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या होता है, पर मेरे को सर बोले कि स्नैच टफ होता है, और वही है हरियाणा वाले हैं हम, और हमें मुश्किल चीज़ें करने में मज़ा आता है, तो फिर स्नैच का, फिर बोला स्नैच सीखेंगे सर, तो सर ने फिर वहाँ से ट्रेनिंग चालू हुआ, स्नैच नया स्टार्ट हुआ। पहले मैंने सिर्फ स्नैच ओनली खेलता था, और मेरा पहला कॉम्पिटिशन था वो भी मैंने सिर्फ स्नैच ओनली खेला, सीखी गई थी के साथ। तो केटलबेल में 3 मेन लिफ्ट होता है, दो मेन डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन होता है लॉन्ग साइकिल। हाँ, तो स्पोर्ट के बारे में आपने जाना क्लासिक फिटनेस अकेडमी से, उसके बाद विनय सर से आपने लिए, वो आपको रूटीन शेड्यूल देते रहे, तो उसके बाद आपका वो दौर कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हफ्ता और पूरा महीना का? वो हफ्ता तो ऐसा ही रहा, मतलब दोनों से क्या होते हैं ना, कुछ पता नहीं है, रूटीन दे रहे हैं, वाडे टेढ़ा स्नैच मारते रहो, हाथ बढ़ता था, पूरा कंधा वंधा ये सब जूता ट्रैप सब दर्द होता था, तो काफ़ी चैलेंजिंग भरा हुआ था वो। तो स्टार्टिंग में जब आपने घर वालों को बताया, कि आपने कब बताया घर वालों को कि मैं केटलबेल स्पोर्ट कर रहा हूँ? घर वालों को बताया नहीं मैंने, तो उनको मैंने बताया नहीं, मैं 2018 में
ये IKFF का नेशनल चैंपियनशिप था, उसमें मेरे को ध्यान है उनके मनुष्य के स्टूडियो में हुआ था, तब जीत के आया था, तब उनको बताया था, उनको बताया कि स्पोर्ट है कैटल बेल स्पोर्ट, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता मेरे घर वालों को, देखिए क्या है बस ठीक अपना अच्छा कर रहा है करते रहो। तो अपने पहला कॉम्पिटिशन खेला था 2018 में IKFF का नेशनल मनीष रोयल IKFF स्टूडियो मैच फिर। तो अभी प्रेम जी अपना स्टूडियो का टूर करवाएंगे हम लोगों को अंदर में। ये है मेन फ्लोर, ये मेन फ्लोर है आपका। हाँ ये मेन फ्लोर है, ये मेरा केटलबेल, सारा केटलबेल। कभी मेरे पास एक से दो केटलबेल होती थी, आज मेरे पास 8 किलो से लेकर 40 किलो तक। कौन कौन सा क्या वेट है थोड़ा बताइए। ये पिंक 8 केजी, 12 केजी, 16 केजी, 20, 24, 28 एंड 38 और सिंगल बेल 36 और सिंगल बेल 40 केजी। बाप रे, कभी सर्वाइव करता था कि यार एक बेल दो बेल होती थी, ले पाऊंगा ये ले पाऊंगा, अब 8 से लेकर 40 तक की बेल, 40 तक की बेल है। ये पूरा स्टूडियो है, ये मिरर है। किस टाइप का ट्रेनिंग करवाते हो यहाँ पे? मेरे यहाँ पे सारा ग्रुप क्लास होता है, एरोबिक्स। एरोबिक्स में चार चीज़ होती है, फ्लोर एरोबिक्स, स्टेप एरोबिक्स, लैटिन साल्सा एरोबिक्स, फ्यूजन एरोबिक्स। डांस भी कराता हूँ मैं, जुम्बा भी कराता हूँ, और योगा क्लास होती है और थोड़ा ग्रुप क्लासेस होती है। कैटलबेल भी सिखाता हूँ मैं। आप खुद भी कैटलबेल स्पोर्ट का ट्रेनिंग देते हो? हाँ कैटलबेल स्पोर्ट्स का।